नंबर थर्ड है वर्किंग एज इन इंडिविजुअल्स डिटरमाइन डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स टू इम्प्लीमेंट TQM इन ए मैनुफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझना होगा। इस क्वेश्चन का मतलब है किसी भी मैनुफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जब हम TQM पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके रास्ते में क्या क्या बाधा, क्या क्या रुकावटें आती है और किस वजह से आती है, ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट। अगर किसी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होता है उनका कोई कमिटमेंट नहीं होता या उस उनके कमिटमेंट में कोई भी कमी होती है तो हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं TQM को। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। लैक का मतलब होता है एक तरीके से कमी, ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट, किसकी कमी, मैनेजमेंट के कमिटमेंट की कमी। यानी कि सपोज कीजिए कोई भी कंपनी है उसके कस्टमर है, कस्टमर को एक दिन के अंदर यहाँ पे 100 प्रोडक्ट चाहिए, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट का जो कमिटमेंट है वो टाइम पर नहीं है। मतलब उसने टाइम दे दिया कि हम आपको एक दिन में दे देंगे प्रोडक्ट को, लेकिन वो नहीं दे पाया। तो यहाँ पे किसकी वजह से नहीं दे पाया, यहाँ पे टाइम की वजह से, क्योंकि जो मैनेजमेंट का जो कमिटमेंट है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे लैक कर रहा है। सेकेंड पॉइंट आता है पर्पस। मैनेजमेंट को अपने गोल के बारे में नहीं पता होता कि हमारा गोल क्या है। और थर्ड चीज़ होती है कि वो रिसोर्सेज पर भी ध्यान नहीं देते, जो भी हमारी कंपनी के अंदर रिसोर्सेज है, मशीन है, टूल वगैरह है, कि वो कितने मशीन की हमारे कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट है, तो इन चीज़ों पर भी मैनेजमेंट ध्यान नहीं देती है, तो ये कहीं ना कहीं कमी कर देते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कस्टमर फोकस, ये कस्टमर पर भी फोकस नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, इन एबिलिटी टू चेंज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। यानी कि हमें किसी भी कंपनी के अंदर उसका जो कल्चर है टाइम टू टाइम अपडेट कर देना चाहिए, वहाँ पे जो बोलने का जो तरीका है, कम्युनिकेशन का जो वे है उसको चेंज कर देना चाहिए। हमें अपने कम्युनिकेशन में भी इम्प्रूव लाना चाहिए और सबसे अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मायने रखती है। नेक्स्ट है यहाँ पर इम्प्रॉपर प्लानिंग। अगर हमारी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, किसी भी क्वालिटी को लेकर या भी कोई भी टास्क हो रहा होता है कंपनी के अंदर, हमारी उस पर प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहेगी तो हम कभी भी TQM पर इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये भी एक कारण बनता है इम्प्रॉपर प्लानिंग। हमारी जो प्लानिंग रहती है वो इम्प्रॉपर रहती है, जबकि हमारी प्लानिंग प्रॉपर रहनी चाहिए। सेकंड है यहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। जो भी एम्प्लॉय हमारी कंपनी में काम करते हैं या किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो उनको कंटिन्यू ट्रेनिंग देनी चाहिए और एजुकेशन भी प्रॉपर देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये लैक हो जाती है। लैक मतलब कमी हो जाती है, उनको ना ट्रेनिंग अच्छी मिल पाती है कंटिन्यूसली और ना ही एजुकेशन मिल पाती है। तो इसकी वजह से भी हम TQM पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, यानी कि ये किसका ऑब्स्टिकल्स होता है। फाइव है यहाँ पे इनफेक्टिव मेजरमेंट टेक्निक एंड लैक ऑफ एक्सेस टू डेटा एंड रिजल्ट। सपोज कीजिए कोई भी कंपनी है किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, उसने प्रोडक्शन किया यहाँ पे टोटल 100 और उसमें से जो रिजेक्शन है वो आ गया 10, यानी कि 10% हमारा रिजेक्शन आ गया और 90% यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही है। अगर हम उस चीज़ को अच्छे से मेज़र नहीं कर पाते हैं या हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि हम सही डेटा का पता लगा सके, तो इसकी वजह से भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट अटेंशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर। जब हम इंटरनल या एक्सटर्नल कस्टमर पर ध्यान नहीं देते हैं या आधा ध्यान देते हैं तो इसकी वजह से भी हम TQM पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, हम TQM को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है इनएडुकेट का मतलब होता है अधूरा। यूज़ ऑफ एम्पावरमेंट एंड टीम वर्क। देखिए एम्पावरमेंट का क्या मतलब होता है, कोई भी एम्प्लॉय है उसको कितनी अथॉरिटी है, अगर उस बंदे को या उस एम्प्लॉय को अथॉरिटी है तो वो खुद से डिसीजन ले सकता है, और अगर उसके अंदर डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है तो वो एम्प्लॉय बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी डिसीजन ले सकता है। उसको अपने CEO से, कंपनी में सबसे ऊपर माना जाता है CEO, अगर कोई भी डिसीजन उसको लेना है तो वो अपने CEO के पास नहीं जाएगा, वो खुद से डिसीजन ले सकता है। उसका कोई भी अपना डिपार्टमेंट हो सकता है, उसकी कोई भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है और कोई भी जॉब रोल हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू रेस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार वो अपना डिसीजन ले सकता है, उसको यहाँ पे CEO से डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है एम्पावरमेंट। लेकिन जिस कंपनी की साइड से हमें अथॉरिटी नहीं मिल पाती है, कहीं ना कहीं
उस कंपनी के लिए हम TQM पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, या उसका ये भी एक ऑब्स्टेकल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फेलियर टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव। कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट हो सकता है, लेकिन हम हर डिपार्टमेंट में इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम इम्प्रूवमेंट करने के लिए फेल हो रहे हैं, तो ये भी एक ऑब्स्टेकल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा।